हेलो गाइस, अभी नया क्या है ये ऑप्शन का बास्केट, मतलब बास्केट ऑर्डर एकदम कम्प्लीटली अच्छा किया है। अभी आपको दिखाएंगे ठीक है क्या किया नहीं किया है। बास्केट ऑर्डर कब का है? 2 फरवरी 2 मार्च का जाएंगे तो हमने बास्केट ऑर्डर रेट, तो हम लोग का बास्केट ऑर्डर कौन सा लेंगे? 39,400। सॉरी, इसका नाम मार्च क्या कर दे, फेब्रुअरी से अरे यार 23 2 मार्च। हाँ ये ठीक है, मैं गलत गया था। ये देखो 39,400, 114 रुपये। इसको क्या करेंगे? बाय करेंगे और 200 पॉइंट दूर ये वाला, मतलब ये शॉर्ट करेंगे राइट। तो 152 और 14, तो इसका मार्जिन कैलकुलेशन अभी एकदम परफेक्ट आ रहा है। ये है मेरा स्टॉक जो मैं बोला ना 3 मंथ का अंदर अपडेट करेगा, मैं उसको बातचीत किया, कांटेक्ट किया, तो उसको देखो, ये देखो मार्जिन MTF एकदम परफेक्टली मार्जिन करेक्टली आ रहा है। 27,000 रिक्वायरमेंट मार्जिन, भले मैं मार्जिन नहीं है यहाँ पे, मगर यहाँ पे देखो 114 का है बाइंग प्राइस और 152। अगर मैं सेम इसी का जीरोधा में जाऊँगा, यहाँ पे कितना आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है 27,700 राइट। और फायर में कितना आ रहा है? 27,080 रुपीज़ आ रहा है। तो फायर और एम स्टॉक में करीब करीब सेम ही करीब है, 700 ज़्यादा है। अगर हम जीरोधा में जाएंगे तो जीरोधा इसका फर्स्ट है। जीरोधा क्या है? 24K दे रहा है मार्जिन और 200 पॉइंट का दूर सेलिंग करिए। मगर इसके साथ क्या कर रहा है, अगर आप ये जीरोधा में आएगा तो क्या होगा, इसमें 20 रुपये 40 रुपये लगेगा, 40 80 रुपीज़ लगने वाला है आपको यहाँ पे जीरोधा में, क्योंकि ये ब्रोकर ले रहा है राइट। इसके साथ आपको प्लस 100 रुपये आपको 2 बाई सेल करने में, चाहे प्रॉफिट हो ना हो, बाहर में जाने दो तो लगता है एम स्टॉक में क्या होता है, आपको इसमें 0-0 ब्रोकर है, तो ये फैसिलिटी आपको क्या होता है, 100 रुपीज़ यहाँ पे सेव हो जाता है ठीक है। तो ये एम स्टॉक है। अभी एम स्टॉक एकदम परफेक्टली मार्जिन लेके आया है ठीक है, मार्जिन कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट है। अगर आप सेम बास्केट ऑर्डर में ऑल पोजिशन एग्जीक्यूट कर सकता है जिस तरह आप यहाँ पे आता, फिलहाल क्या है एग्जीक्यूट बटन नहीं बनाया, वो भी आ जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा बोल रहा है। तो उसके लिए मैंने ना लगातार देखो मेल भेजा रहा हूँ, देखो अभी का मेल नहीं है, देखो यहाँ पे मैं कितना भी मेल एग्जीक्यूट बटन बनाने के लिए बोल रहा हूँ ठीक है, क्योंकि उसको बोल रहा हूँ जो इस तरह से प्रॉब्लम हो रहा है। देखो ये एग्जीक्यूट बटन बन ले बोल रहा हूँ, जीरो प्लेटफॉर्म क्या कर रहा हूँ मैं इसको शेयर कर रहा हूँ, जो इस तरह से ना आप बार बार, मतलब मैं यहाँ पे लिख के भी जा रहा हूँ ठीक है। देखो यहाँ पे चेक द मार्जिन कैलकुलेटर, उसको बाद ही मुझे कॉल आया इसके तरफ से, कहीं ना कहीं एम स्टॉक मुझे कभी कभी कॉल भी करता है जो रिफरल के लिए, क्योंकि मेरे लिंक से बहुत सारे यूज़र क्या किया और ब्रोकर ओपन किया है, इसका वजह से मुझे कॉल करता है कभी कभी ठीक है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन लोग ध्यान दे या, तो क्या होता है ये मार्जिन का तो कंप्लीट किया, कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे दिखाता था मार्जिन फायर का है, ये फायर का और जीरोधा का मार्जिन दिखा था। तो क्या है ये सर, खाली यही है, इसमें दो ही रिक्वायरमेंट है, क्या है, एक है बटन एग्जीक्यूट ऑल पोजीशन बटन बनाना चाहिए, जो यहाँ पे हम लोग बार बार भिजा रहा उसको इस तरह से बटन बनाना है यहाँ पे, जिस तरह से एग्जिट पोजीशन होना चाहिए ठीक है। तो यही डेवलप करने के लिए बस आखिरी उम्मीद है, यही डेवलप कर दिया तो ठीक है, क्योंकि हम लोग ऑप्शन सेलिंग में पेपर भरोसा करता हो ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, जब आप जाएंगे तो इतना सा काम मेन अभी क्या है, बास्केट ऑर्डर तो कम्प्लीटली यहाँ पे कर दिया है। देखो अगर बास्केट में जाएंगे अभी क्या है, बैंक निफ्टी और ऐड कर सकते हैं, जैसे हम पुट साइड के ऐड किया राइट। अभी इसका प्रीमियम 152 में, तो हम 152 प्रीमियम की इसका चल रहा है, हम जो है ऑप्शन सेल में देख के आता हूँ 152 प्रीमियम कौन सा आ रहा है, फरवरी मार्च का राइट। तो मार्च का आ गया, तो 152 प्रीमियम थोड़ा सा, अरे यार 2 मार्च ठीक है, मार्च फरवरी हो रहा है, इसको कन्फ्यूज हो रही, फरवरी मार्च तो
152 करीब का 156 का प्रीमियम शॉर्ट करके देखेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे शॉर्ट नहीं करेंगे, मतलब इसकी एडिट करेंगे और ये वाला 100 रुपीज़ का एडिट करेंगे, ठीक है। तो 40,600 प्रीमियम को हम क्या करेंगे, शॉर्ट एडिट करेंगे। तो बास्केट जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, फिर यहाँ पे 40,600 शायद ना कितना बोला इसका 23 फरवरी से 40,600 PE, राइट। तो हमारा 2 मार्च का ये वाला आएगा, इसका प्रीमियम 600 रुपया रहा, गलत दे रहा है, 2 फरवरी 23 फरवरी इसका प्रीमियम 600 रुपये नहीं थे यार, गलत देख रहा, मैं एक बार देख के आता हूँ फिर से यार, भूल गया। मार्च 23 अभी का 24 चला है, तो एक्सपायरी हो चुका है, राइट। तो हमने 40,600, तो ठीक है मार्स का 40,600 का प्रीमियम हम देखें ऐड करेंगे कॉल साइड का, तो 40,600 CE, राइट। हम पी शायद ऐड किया था, गलत किया था, ये है हमारा अभी सही है। तो इसका क्या करेंगे, 40,600 तो हमने इसका एक सपोज मार्केट ऑर्डर में इसको ऐड कर देता है, राइट। और उसके बाद हमने क्या करेंगे, 40,600 700 800, तो हम 200 पॉइंट का आ गए 6 7 8, तो 40,800, राइट। तो प्रीमियम को हम भी हो गया सी। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको बाई में करेंगे, उसका क्या बाई किया पता नहीं, सेल किया है 40 ये वाला, ये तो मॉडिफाई करना पड़ेगा क्योंकि ये बाइंग होगा, राइट। अभी सेलिंग, तो अभी के टोटल मार्जिन कितना रिक्वायरमेंट होता है, टोटल अगर मैं दो साइड का बाई सेल करें तो हमारे पास मार्जिन आ रहा है 50,000 97,000, राइट। 900, तो 51,000 ही पकड़ लो। अगर क्या किया, एक बाई किया एक सेल किया, सेम मतलब रिक्वायरमेंट में 156 थोड़ा सा बढ़ गया, तो मार्जिन आ रहा है 50,000। तो हमने इसमें जाके ऐड करेंगे 48,000, तो यहाँ पे जीरो दम में मार्जिन कितना मिल रहा है, राइट। तो 40,600 सी टू मार्स, यहाँ पे सेल करेंगे इसको एट द मार्केट ऑर्डर में, राइट। उसके बाद 40,600 40,678 800, राइट। और सी तो टू मार्स इसको हम क्या करेंगे, बाय करेंगे इज द मार्केट प्राइस, राइट। तो इसमें क्या होता है देखो, तो क्योंकि इसमें 44,200, राइट, और यहाँ पे 44,000 कहीं ना कहीं 44,456, तो कहीं ना कहीं इसमें मार्जिन कितना 44, राइट। यहाँ पे 6,000 मार्जिन ज़्यादा लग रहा है, तो कोई बात नहीं, मार्जिन ज़्यादा होना चाहिए, थोड़ा अच्छा रहेगा और बेटर रहेगा। तो 6,000 मार्जिन क्या होता है, ज़्यादा लगता है इसमें, तो इसका ब्रोकर चार्ज है 0, राइट। और अगर हम इसमें जाएंगे तो कितना हमको लगेगा, राइट, चार में, तो इसमें हमको कितना लगेगा, इसमें लगेगा 20 रुपये बाई सेल, तो एक एक ये इसमें 40 रुपीज़ 40 प्लस 48 रुपीज़ प्लस 880 160, राइट, सॉरी 40 80
80 80 160, तो टोटल हमको 160 रुपीस क्या होता है यहाँ पे ब्रोकर चार्ज लग जाता है, राइट। अगर हम फ्री है, राइट, एम स्टॉक क्या होता है, फ्री होता है, तो इसके लिए हमको कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होता है, चाहिए किधर भी बाय कर सकता है, सेल कर सकता है। और इसमें नहीं होता है, इसमें अगर आप बाय सेल करने जाएगा तो क्या होता है, थोड़ा ब्रोकर चार्ज लगता है, तो ध्यान रखा करें ऑप्शन से लिख के लिए। सेम इसी को क्या करना, बास्केट एक बाई कर ले, राइट, इस तरह से सेम और एक यहाँ पे और एक क्रिएट कर लेना। इसमें अगर आप बाई किया, सपोज इसमें लेना, उसमें क्या बी यू बाई बी एम के बैंक निफ्टी, तो क्या करना ये इसमें क्या करना, ये बाई सेल, राइट, इसमें एक काम करना यहाँ पे नंबर टू क्यों लिखना, अगर आपने शॉप यहाँ पे सेल किया, राइट, एग्जीक्यूट बटन आ जाएगा, जब फंड नहीं है तो एग्जीक्यूट 50,000 होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होता है, एग्जीक्यूट बटन आ जाएगा, तो यहाँ पे अगर आप प्लेस हो गए ऑर्डर, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका बटन क्रिएट होगा, राइट, तो यहाँ पे आप एग्जिट बटन दबा सकता है, ठीक है, तो एग्जिट बटन क्या होता है, यहाँ पे आ जाएगा आपको मार्जिन, जो एक बार में ऑल पोजीशन जब एग्जीक्यूट करेगा तो आप कट कर सकता है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगा, मेरा स्टॉक का बास्केट ऑर्डर कम्प्लीटली फाइनल, थोड़ा सा डिफरेंस है मार्जिन में, तो कोई बात नहीं, एकदम परफेक्ट है, चलेगा। जीरो दा सॉरी ये मैं स्टॉक और फायर का कभी कभी सेम मार्जिन रिक्वायरमेंट है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो थैंक यू डियर माई फ्रेंड्स, सी यू, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना चलेगा, तो बाय बाय, टेक केयर।